गाइस इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरे इस तरह का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इसी तरह का कूल एडिटिंग वीडियो करने के लिए पहले तो आपको इस तरह से एक वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो गाइस ये जो काइनमास्टर है ये वीडियो लेयर वाला काइनमास्टर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक कर देना होगा, उसके बाद आपको मीडिया पे जाके आपका जो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है उसे ले लेना होगा। वीडियो लेने के बाद आपको एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर देना होगा। एक्स्ट्रा पार्ट को काट कर देने के बाद आपको यहाँ पर आके सबसे पहले आपको वीडियो को इस तरह से बड़ा कर देना होगा, उसके बाद आपको टाइम पे आना होगा। इस टाइम पे आके यहाँ पर एक डॉट दे देना होगा। तो हम लोग पॉइंट कर देते हैं कहाँ कहाँ पे काम करना है, तो सेकेंड वाला पार्ट को हम कर लेते हैं। फर्स्ट वाला हो गया तो सेकेंड वाला यहाँ पर। यहाँ पर एक डॉट देते हैं, उसके बाद थर्ड वाला यहाँ पर। यहाँ पर थर्ड वाला। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वीडियो लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बॉक्स वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली निचले हिस्से में यहाँ का एक कैप्चर चला जाएगा। तो यहाँ का काम हो गया। सीखने वाला जो डॉट है यहाँ पर फिर वीडियो लेयर पर क्लिक करेंगे, फिर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर लास्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक सेम केस यहाँ पर भी होगा। उसके बाद यहाँ पर डन कर देते हैं और फास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर देते हैं और वीडियो लेयर पे जाके बॉक्स पे क्लिक करके लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस फोटो को कैप्चर को यहाँ से इसका माफी कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके क्रॉपिंग करेंगे, ठीक है। क्रॉपिंग यहाँ पर से फोटो का जो साइज होगा उस साइज पे आपको यहाँ पर छोड़ देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे यहाँ पर डन कर देते हैं और आपको देखना होगा कहाँ तक ये जो फोटो है रखना है। तो यहाँ पर रहेगा, उसके बाद यहाँ तक रखना होगा। तो इसके बाद का जो है काट कर देते हैं। सेम केस यहाँ पर भी होगा, इसे बढ़ा देते हैं फुल स्क्रीन, उसके बाद क्रॉपिंग और यहाँ पे इतना फोटो का माफी कर देना होगा। तो इस तरह से इसे डन कर देते हैं और इस फोटो को कहाँ तक रखना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो काट कर देते हैं। सेम केस यहाँ पर भी फुल स्क्रीन और कॉपिंग, इस तरह से, ठीक है। तो इसे भी काट कर देते हैं। तो काम यहाँ पर हो गया हमारा और लास्ट का जो फिनिशिंग टच है हमारा तो वो है फोटो का जो है बैकग्राउंड, एक फोटो का जो फ्रेम है वो तो लगाना होगा। उससे क्या होगा, आपका जो वीडियो देखने में अच्छा होगा। हम लोगों का जो काम होगा
फोटो का एक फ्रेम लगाना। तो यहाँ पर फास्ट में आना होगा और लेयर पे जाके यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके क्लासिक स्टिकर पे क्लिक करके यहाँ पर लास्ट में ये वाला आप ऑप्शन ले लीजिए। तो गाइस आप ये छोड़ के आप गूगल से डाउनलोड करके फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, आपका मर्जी है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और लास्ट में कुछ जगह छोड़ के इसे काट कर देंगे। इस तरह से यहाँ का इसका डुप्लीकेट और एक डुप्लीकेट करके सभी को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जगह पे छोड़ देना होगा और यहाँ पर इसको इसका साइज में भी कर देना होगा और यहाँ पर बैक कर देना होगा, इससे देखने को अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर इसे छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सभी फोटो को कर देना होगा। डन और इसे भी सेम केस कर देना होगा। बैक छोटा हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट है लगभग हो गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पर आपको इस फोटो पे क्लिक करके इस की पे क्लिक करके आपको यहाँ तक रखना होगा और लास्ट तक लाके इसको यहाँ पर स्लाइड करके अंदर उठा देना होगा। और सेम केसेस सभी को ऊपर भी होगा। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग की पे क्लिक करेंगे और इस टाइम पे आके डॉट देंगे और स्लाइड पूरा स्लाइड करके इसे अंदर घुसा देंगे और सेम केस यहाँ पर भी होगा। हो गया। तो हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। We'll be right back.